Best of me now, best of me now, best of me. नीचे से खुलेगा बस और वो हाइड्रोलिक अटक जाएगा उसका। तो उड़ता पंजा मैं ना पहले ओखली ऊपर से नहीं खुलता, नीचे वही राइट साइड से खोल, एक्सट्रीम राइट से खोल। मैं अंक अब अपनी दिमाग लगाते हुए मेरी माल, अरे यहीं से निकलेगा। हाँ नीचे, यहाँ से निकलेगा, नीचे से पूरा खुल चुका है। अबे यहाँ से कर, इस साइड से खुल गया बिल्कुल ऊपर कर, हमारे भी जान भी साफ होने दी क्या सारी। अब बिल्कुल ऊपर कर देगा तो वो अटक जाएगा उसका, छोड़ दे, अटक गया बड़ी तेज भूख। वो क्या बोलते हैं, मयंक और तुषार शॉर्मा लाए थे, मैंने खा लिया लेकिन मुझे तब भी भूख लग रही है। आई थिंक मेरी बॉडी बहुत ज्यादा मांग रही है, ठीक है। तो मैंने अभी बर्गर किंग कराया और अभी सीन है कि मम्मी उस कमरे में सो रही है, बहन उस कमरे में सो रही है और वो सो रही हैं, तो मैं उठाना नहीं चाहता क्योंकि वो दोनों पूरे दिन मेहनत करती हैं। तो सीन ये है कि मेरे को इस वॉकर से जाना पड़ेगा गेट तक और लेके आना पड़ेगा, या फिर वहीं बैठ के लेके ही आना पड़ेगा। इसी तरह सदियों बाद में अपने सोफे पे आके बैठा हूँ, वरना बेड पे लेटा हुआ था, देखिए वहाँ से आ गया और वेट कर रहा हूँ, वैसे आएँगे वैसे लेंगे खाएँगे सो जाएंगे। लाइक मैं प्रॉपर नहीं बैठा, मैं थोड़ा सा लीन होके बैठा हूँ, ओनली रीज़न इज थोड़ा मेरा बैक में प्रॉब्लम है, मतलब जो लेग में लगी हुई है सबसे ज़्यादा उसी के हिप में प्रॉब्लम है। तो लेकिन उनको अच्छा लग रहा है, फीलिंग गुड है यार, पता नहीं व्हाट द रीज़न। बल्कि यहाँ पे गर्मी है ज़्यादा, लेकिन बेड से ज़्यादा अच्छा मेरे को यहाँ पे लग रहा है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, दिन में तो और ज़्यादा होती है, इसलिए मैं यहाँ पे बैठ नहीं सकता। तो गर्मी का एक और इशू है ना, फिर ईचिंग होती है, एलर्जी भी तो है, फिर ईचिंग होती है, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो अभी बस भैया जल्दी आ रहे हैं, अभी बस सचदेवा स्कूल तक पहुँचे हैं। ओके सो स्ट्रगल ये आया है ऐसे इस पैकेट में, मतलब कैरी वाला नहीं है, और मेरे को वॉकर से वापस भी जाना है। तो लेट्स डू इट भाई साहब, इसका मज़ा बहुत अलग है। कुछ 4 महीने बाद अपना काम खुद करना, हर चीज़, मतलब आई नो किसी ने मना करा है चलने वलने को इतना ज़्यादा, लेकिन वही बात है ना, लेटे लेटे नहीं मानता दिल। व्हेन यू आर दैट पर्सन जो कि कभी घर पर बैठता ही नहीं, कभी भी नहीं, तो इट्स लाइक बहुत अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा। आज फिजियो नहीं हुई थी मेरी, उनकी प्यारी सी बेटी का जो है, मतलब न्यूली बॉर्न बेटी का नामकरण था, तो इतने एफर्ट्स कर लिए। अब बहुत ज़्यादा नींद आने वाली है, उससे पहले हम अपने बर्गर्स खाएंगे। यार बर्गर किंग वाले तंदूरी ग्रिल में ये मखनी वाली मेयोनीज कब से डालने लग गया, ये साले अच्छे खासे इसमें ग्रीन कलर की वो चटनी डालते थे जो बहुत टेस्टी लगते थे, मूड खराब कर दिया। जब पैटी वाज सो गुड, वही टेस्ट पुराना वाला, लेकिन ये मखनी मेयोनीज ने ना, पता नहीं तंदूरी मेयोनीज थी, मखनी मेयोनीज थी, बारबेक्यू मेयोनीज थी, आई डोंट फकिंग नो, बट टेस्ट की माँ वैन कर दी।
बट कोई बात नहीं, मज़ा आ गया चिकन खाने में, मज़ा आ गया। पता नहीं आजकल में वो चिकन खाने में मुझे मज़ा आ रहा बहुत ज़्यादा। और ये जो है क्या करना मेरे को, हाँ एक क्रिस्पी वेज बर्गर भी है क्योंकि वो हमारा सबसे पहला बर्गर है। हाँ मैंने एक वीडियो देखी थी, आई थिंक कोई आयुष आयुष करके वो फूड ब्लॉगर है, ब्लॉगर कम वो चेक करता है, तो उसने अपनी ब्लॉग में बताया था कि भाई साहब बर्गर किंग के बर्गर की क्वालिटी डाउन हो गई है। और ये बात सच, एक्सपेरिमेंट करने भाई सबसे प्यारी चीज़ बर्गर किंग ने आज तक जो बनाई है ना, ये बर्गर किंग से देख रहा है ना, वो तुम्हारी है, वो क्रिस्पी क्रीम, वो क्रिस्पी कीमा रैप, वो जो आई थी ना चीज़, तब से बर्गर किंग से प्यार हो गया था। बट अब बर्गर किंग से नफरत ही हो रही है क्योंकि मैकडॉनल्ड्स अच्छा कर रहा है। ओके, हमने फुट ड्रॉप वाली चप्पल पहन रही है और नॉर्मल क्रॉक्स भी पहन ली है। आज हमारा प्लान है सदियों बाद बाहर जाने का, कम से कम 4 महीने के बाद। एक्चुअली मैंने थोड़ी बहुत वॉकिंग स्टार्ट कर दिया, उसके बाद हम रिस्क ले रहे हैं क्या कि यहाँ से उतरेंगे और गाड़ी में बैठेंगे थोड़ा घूम के आएंगे, क्योंकि घर बैठे बैठे और हॉस्पिटल में 2 महीने हॉस्पिटल में और 2 महीने घर में हो चुके हैं, वो 4 महीने हो गए हैं तो नहीं रहा जा रहा। तो अभी तनुज जा रहा है, तनुज के साथ जाएंगे अपन। अभी मेन यहाँ से प्रॉब्लम क्या है, ग्राउंड फ्लोर का घर है लेकिन यहाँ से टिच 5-6 सीढ़ियाँ हैं जो उतरनी है, जो कि रिस्की है, बट अपन करके दिखाएंगे हर चीज़, बॉब द बिल्डर करके दिखाएंगे। चल वॉकअप नहीं चलेगा, अरे ये दुनिया है ऐसे नहीं बनानी थी मेरी माँ, टेढ़ी बनानी थी। सही है ना ऐसी, चल गाइस मजा आ गया, जिंदगी का सारा स्वाद आ गया, मजा आ रहा है भाई। हम रोड पे चल रहे हैं जहाँ पे लास्ट टाइम रोड पे ही तो थे लास्ट टाइम। वाह भाई, कुछ मतलब अजीब सा लग रहा है मेरे को, लिटरली बताऊं मतलब ये रोज की रोड है मेरी यहाँ से निकलना भाई जाम। ओके, सो अभी हमें डीसी चौक रोहिणी, हाँ भाई मैं बता नहीं सकता हाउ हैप्पी आई एम राइट नाउ, इतने टाइम बाद बाहर निकलो, मतलब वो प्रॉपर वाला जिसे कहते हैं ना बाहर, मतलब कहाँ ही निकलो, एम्बुलेंस हॉस्पिटल से घर आया था वहाँ से सीधा घर पे पड़ा हुआ था। और सीढ़ियाँ भी बहुत ईजिली उतर ली थी मैंने, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई थी, ठीक है सहारे से, बस वो हाथ राइट साइड वाला भी थोड़ा सपोर्ट चाहिए, उसके बाद मैं खुद गाड़ी तक चल के गया था। तो इट्स अ ऑसम मोमेंट फॉर मी, आई कांट टेल यू भाई। पता है क्या बात है सहारे से, मतलब आप अपनी लाइफ में अभी नॉर्मल हो ना, मतलब मैं नॉर्मल नहीं था 4 महीने से, बिल्कुल ही एक तरीके से डेड लाइफ जी रहा था। आपका दिन कैसा गया? मेरा सिंपल आंसर हुआ, इट वॉज दी ऑसम डे आफ्टर ऑलमोस्ट 4 मंथ, ऑलमोस्ट 4 महीने से ऊपर 2-3 दिन ही हो गए होंगे, और मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश था। तनुज ने खुद सामने से बोला कि भाई अब तू थोड़ा बहुत चलने लग गया, चल तेरे को घुमा के ला दूँ। मतलब मैं पहले हॉस्पिटल में टिच 2 मंथ्स रहा, उसके बाद इस घर में मैं 2 महीने से रह रहा हूँ, ठीक है। Everyone is like going out and chilling, और मैं यहाँ पर सबकी स्टोरीज देख रहा था, मम्मा की बातें सुन रहा था कि ये हुआ बाहर, ये देखा, इतने टाइम बाद मैं बाहर निकला। थैंक्स टू तनुज भाई, ये एहसान ना तेरा बहुत बड़ा है मेरे पे अभी। और उसके बाद अगर बोले तो सैंस ने बाद में ज्वाइन करा था, एंड जैसे कहते हैं शी इज़ माई स्माइल आई वुड से, और वो जब आ गई तो मतलब इतना अच्छा फील कर रहा था ना मैं, जिसकी कोई हद नहीं है। और अब चलने लग गया हूँ खुद से थोड़ा थोड़ा, आई विश बहुत जल्दी पैरों की स्ट्रेंथ और बढ़े और मैं इस कदर ठीक हो जाऊँ कि मैं सारे काम, जैसे अभी आज भी मैं खुद ना आया, इट्स लाइक कि मैं अपना वॉशरूम खुद जा रहा हूँ, एवरीथिंग आई एम मैनेजिंग बाय माई सेल्फ, तो इट्स अ बिग डील। अब जो पीछे वॉकर रखा है ना, इसको भी डिच करना है मेरे को जल्द से जल्द, व्हील चेयर तो डिच कर दी है, बट इट्स लाइक मैं नॉर्मल जगह पे बैठ जाता हूँ जहाँ पे भी है, पहले व्हील चेयर पर बैठता था, नाउ आई कैन वॉक, आई कैन स्टैंड। बट पता मैं ये बातें क्यों बता रहा हूँ, द ओनली रीज़न इज जो मैं फेस करके आया हूँ ना हॉस्पिटल में 2 महीने और हॉस्पिटल के बाद 2 महीने, वो बहुत पेनफुल थे, वो बहुत ज़्यादा, मतलब
ऐसी ऐसी चीज़ें हुई थी ना कि मेरा मेंटल पीस भी चला गया था कई बार, और उसके बाद जो चीज़ें हुई हैं लाइफ में चेंजेस हुए थे उससे मेरा जो है मतलब जिसे कहते हैं मेरा माइंड भी फक्ड अप हो गया था। पैर में दर्द तो था ही, बैक में भी पेन था, मतलब मेरा हॉस्पिटल में इतना बुरा हाल था मैं क्या बताऊँ, इतने बड़े बड़े घाव थे ठीक है वो ऑलमोस्ट सारे भर गए, बस इतना चिन्ना सा एक घाव रह गया वो भर रहा है। मतलब मैं अगर आपको दिल से बोलूँ ना लोग ये छुपाते हैं, लेकिन थोड़ा सा वहाँ की नर्सेज ने थोड़ा सा मेरे साथ लापरवाही करी, मैं यूरिन खुद नहीं जा सकता तो उन्होंने यूरिन कैप लगाई रबड़ वाली, और हमें पता नहीं था वो कब निकालता, तो वो 8 दिन तक लगी रही, और 8 दिन बाद जब उन्होंने वो निकाली आई कैन टेल यू दैट फकिंग पेन ऑन माय पेनिस। मतलब मैं ये बातें कर रहा हूँ दिल खोल के, क्योंकि मैंने वो चीज़ फेस करी है, मैं नहीं चाहता किसी को, मेरे दुश्मन ने एक्सपोज करा है, मेरे से लड़े हैं कुछ भी है भैया उनके साथ भी ना हो, क्योंकि दैट पेन इज सो, मतलब मैं रात को रोता था, मतलब दिन में तो रोता ही रोता था लेकिन रात को रोता था, और मम्मी मेहनत करके सोती थी तो मैं इसलिए मतलब आंसू निकाल पाता था, चिल्लाता नहीं था। सुबह पट्टी होती थी, इतना बड़ा वूंड का गड्ढा था मेरा जिसमें जो सुबह पट्टी होना बहुत ज़रूरी थी, वरना शोकेस होता था ठीक है। फिर मशीन रखती थी शोकेस निकालने के लिए, उसमें टेपे वेपे लगती थी। भाई मैं बहुत झेल के आ रहा हूँ, इसलिए मैं को ना कोई भी पेन ऐसे लगता नहीं है दिल पे कि हाँ, बस एक चीज़ है मतलब किसी का जाना मेरे को बहुत दुख दे रहा है, बस मैं चाहता हूँ कि वो साथ रहे मेरे हमेशा और कुछ नहीं। बट आई वुड से कि आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन आई कैन एवर सी इन माई लाइफ। भाई मैं जो झेल के आया हूँ मेरे को पता है, मेरी आंखों ने देखा है, मेरे माइंड ने उसको रीड करा है, मेरे दिल ने सहा है। तो बस इतना ही था बस आज के लिए बोलने के लिए। थैंक्स टू तनुज, थैंक्स टू सैम फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस लिटिल अचीवमेंट ऑफ माइंड कमिंग बैक ऑन द ट्रैक अगेन, एंड आई लव यू अभी एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग एवरी सिंगल टाइम व्हेन आई नीडेड यू गाइस। नाउ कम बैक की बात करें तो धीरे धीरे करते हैं, कार लेते हैं और फिर तो गेड़िया शेड़िया चलते रहेंगे।